हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एग्जांपल दे दिए थे और उसके बेसिस पर आपको कहा गया था कि एक्सरसाइज के एग्जांपल आप सॉल्व कर लेना। आई होप कि कुछ एग्जांपल आपने सॉल्व किए होंगे। आज का हमारा ये लास्ट वीडियो होने वाला है इस चैप्टर का। इसमें कुछ हम दो चार एग्जाम्पल देखेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ओके, इसके ऊपर एक डाउट क्लियरिंग सेशन ला लेंगे, मंगलवार या बुधवार को ला लेंगे। ओके, और जो टेस्ट कहा था मैंने कि जो फ्राइडे को होगा वो फ्राइडे को ना होकर सैटरडे को होगा, क्योंकि फ्राइडे को कुछ है, तो मेरे ख्याल से ईद या कुछ है फ्राइडे को, तो सैटरडे को हम टेस्ट लेंगे, जो कि आपका टेस्ट का जो ये है टॉपिक वो है एंगल एंड मेजरमेंट। ओके, इस पर बहुत ही ईजी सा वो टेस्ट है, सो उसके बारे में हम सैटरडे को वो आपका टेस्ट होगा। आज के लेक्चर में हम तीन से चार एग्जांपल डिस्कस करेंगे और ये जो चैप्टर है उसको फिनिश कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल आपके पास है कि इफ 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos थीटा इक्वल्स टू 5, ये एक आपको इक्वेशन दी है। देन फाइंड द परमिसिबल वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, जो पॉसिबल वैल्यू हो, cos थीटा की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है वो हमें निकालना है। ओके, सो गिवन हमें गिवन दिया है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 कॉस थीटा इक्वल्स टू 5, ये हमें गिवन है। ओके, तो आपको पता है कि एक अच्छी सी आइडेंटिटी है, कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाती है, इक्वल्स टू 1, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वल्स टू 1 होती है। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। ओके, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू द 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सो 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos theta equals to 5, equals to 5 ऐसा लिख सकते हो। ओके, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 माइनस 2 cos square theta प्लस 7 cos theta equals to 5। ओके, सो ये 5 इस साइड ला लो तो क्या बनेगा, ये तो 2 माइनस 2 cos square theta प्लस 7 cos theta माइनस का 5 इक्वल्स टू 0, इसको इस साइड ला लिया। ओके, सो ये बन जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर theta प्लस 7 cos theta, ये 2 माइनस 5 क्या बन जाएगा, माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या बचता है, 2 cos स्क्वायर theta माइनस 7 cos theta प्लस 3 इक्वल्स टू 0, इतना बचेगा। ओके, माइनस इस साइड चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बचता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 cos थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, इसके आप फैक्टर भी ला सकते हो। ओके, सो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x की जगह पे मैंने cos थीटा, यहां पे cos थीटा रहता है, cos थीटा की जगह पे ये x लिख दिया। ओके, ये हम रफ में करेंगे और डायरेक्टली इसके फैक्टर निकालेंगे, तो इसके फैक्टर आपको आता है, फैक्टर कैसे करना है, ये 2 और 3 इसका मल्टीप्लिकेशन कितना है 6, तो प्रोडक्ट हमें कितना चाहिए 6 चाहिए और सम कितना चाहिए माइनस 7 चाहिए, ये जो होता है ये सम होता है और इसका मल्टीप्लिकेशन ये प्रोडक्ट होता है, तो प्रोडक्ट 6 चाहिए और सम माइनस 7 चाहिए, तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट 6 आता है और सम माइनस 7 आता है, तो वो खुद माइनस 6 और माइनस 1 है, माइनस 6 और माइनस 1, सो प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट इसका 6 आता है और सम माइनस 7 आता है, तो 2x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे लिख दोगे 6x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो जहां x है वहां पे cos लिख लेते हैं। ओके, सो क्या बनेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये समझ में आया क्या, ये बोल दो, क्योंकि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, बड़ा ही सिंपल है, इसके फैक्टर पढ़ना आपको आता है, आपने प्रीवियस क्लास में सीखा है। ओके, सो यहाँ पे देख पा रहे हो क्या कॉमन है, 2 cos थीटा कॉमन है, एक ब्रैकेट में लिख लिया, क्या आता है
कॉस थीटा माइनस का 3 आएगा, यहां से माइनस 1 कॉमन है, कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसे मैं मिटा देता हूं, तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस 3 टू कॉस थीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। सो कॉस थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0, टू कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 आ गया। ओके, और यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 आ गया। ओके, अब बात आती है कि सर कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 ले या कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 ले। तो मैं बता दूं कि कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार इसका ग्राफ होता है। ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे हम जब फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तब। ओके, सो ये 0 और ये 1 और यहाँ पे ये -1, तो ये 1 और -1 के बीच में लाई करता है, तो ये 3 पे जाएगा क्या? कॉस का ग्राफ है ये, कॉस की वैल्यू जो है वो 1 और -1 के बीच में खेलती रहती है, तो वो 1 के ऊपर भी नहीं जा रही है, -1 के नीचे भी नहीं जा रही है, तो वो कितना होगा? कॉस थीटा इज 3 होगा क्या? नहीं, बट कॉस थीटा इज -1 इज लेस देन थीटा, लेस देन 1 इसके बीच में है। ओके, सो कॉस थीटा लिख देंगे यहां पर, कॉस थीटा इज लेस देन 1। ओके, सो अभी इसे मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये ग्राफ का काम हो गया। सो कॉस थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 3, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। कॉस थीटा की पॉसिबल वैल्यू क्या आई? परमिसिबल वैल्यू क्या है? परमिशन दे दी किसने? कॉस थीटा ने, कि आपकी जो वैल्यू हो वो कितनी होगी? 1/2 होगी। 3 क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका ग्राफ ही नहीं बनता है, वो -1 और 1 के बीच में उसका ग्राफ आता है, तो वो 3 पे तो कभी नहीं जाएगा। इसलिए जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? परमिसिबल वैल्यू 1/2 आ गई। ओके, आई होप कि ये सिंपल सा एग्जाम्पल आपके समझ में आ गया होगा। अभी हम अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके ओके, तो नेक्स्ट ये एग्जाम्पल देख लो, बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल है। इफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा, इन दोनों का एडिशन करोगे तो 1.5 मिलता है। ओके, देन फाइंड सेक थीटा टैन थीटा एंड साइन थीटा, वो तीनों की वैल्यू पूछ रहा है। एक इक्वेशन दे दिया और तीन की वैल्यू उसको निकाल के दे देना है। ओके, दे देंगे निकाल के, कौन सी बड़ी बात है। सो गिवन गिवन क्या गिवन है आपके पास? सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू 1.5, 1.5 ये है। ओके, अच्छा 1.5 को क्या लिख सकते हो? क्या 3/2 लिख सकते हो? 1.5 को लिख सकते हैं। सो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल्स टू कितना? 3/2, ये लिख लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ओके, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं। ओके, अब एक बड़ी ही अच्छी आइडेंटिटी है जो सेक और टैन के रिस्पेक्ट में है, कौन सी है? 1 + tan² θ इक्वल्स टू sec² θ, 1 + tan² θ इक्वल्स टू sec² θ। ओके, सो ये टैन उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा? sec² θ -tan² θ इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा, पक्की बात है। ओके, सो a² - b² क्या होता है? a - b, a+b, ये होता है, पक्की बात है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? sec θ - tan θ। ओके, सेकंड ब्रैकेट में sec θ + tan θ इक्वल्स टू 1, a - b, a+b। ओके, सो sec θ + tan θ की वैल्यू आपके पास है 3/2, तो पुट अप कर दो। सो sec θ - tan θ वैसे ही रखेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू वो आ गई 3/2 इक्वल्स टू 1। ओके, सो सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू, इसको उस साइड भेज दो तो ये आ जाएगा 2/3, इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो गिवन इक्वेशन था, 1.5 को हमने 3/2 लिखा, बाद में एक बड़ी अच्छी आइडेंटिटी थी उसका यूज करके हमने सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 2/3 ला लिया। ओके, हमें सेक थीटा टैन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। ओके, सो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा ऐड करने पर? ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे प्लस टैन थीटा है, यहाँ पे माइनस टैन थीटा है, तो कैंसल हो जाएगा। ओके,
सो एलएचएस एलएचएस में ऐड होगा, आरएचएस आरएचएस में ऐड होगा, सो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ओके, प्लस सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू, इस साइड में देखो 3 बाय 2 है, सो 3 बाय 2 प्लस 3 बाय 2 प्लस 2 बाय 3, इस साइड में 2 बाय 3 है, ओके, सो टैन टैन गेट कैंसल, सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 sec थीटा, ओके, इक्वल्स टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो 9 प्लस यहाँ पे आएगा 4, ओके, अपॉन 6, सो 2 sec थीटा इक्वल्स टू ये 13 बाय 6 आ गया, ओके, ये 2 उस साइड भेज दो, हमें sec की वैल्यू मिल जाएगी, सो तो ये आ जाएगा sec थीटा इक्वल्स टू 13 बाय, ये आ जाएगा 12, ओके, सो sec थीटा इक्वल्स टू 13 बाय 12 आ गया, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, cos थीटा इक्वल्स टू 12 बाय 13, इसका अपोजिट होगा, ओके, सो cos आ गया, हमें sin निकालना है, तो एक बड़ी अच्छी आइडेंटिटी आपको पढ़ाई थी, क्या थी वो, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ओके, सो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की वैल्यू पुट अप कर दो, 12 बाय 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आएगा 144 अपॉन 169 इक्वल्स टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 144 अपॉन 169, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 169 माइनस 144 अपॉन 169, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 25 अपॉन 169, सो यहाँ से आपको साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी प्लस माइनस 5/13, प्लस माइनस 5/13, ओके, सो थीटा तो उन्होंने कुछ दिया नहीं था, यहाँ पे देना चाहिए था कि थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसा करके उन्हें देना था, ओके, सो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा 5/13, ओके, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि साइन थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू द 5/13, क्वेश्चन में उन्होंने देना चाहिए था, नहीं दिया है, चलो कॉस सेक आ गया, ये आ गया, साइन भी आ गया, अब टैन निकाल लो, सो टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 5/13, ओके, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा आपके पास है 12/13, सो 13 गेट कैंसल, सो दिस इज अ 5/12, सो टैन थीटा कितना आया बच्चों 5/12 आया, ओके, सो अगर वो कोसेक भी मांग लेता, कुछ भी मांग लेता तो हम निकाल के दे देते, अब हम एक्सपर्ट हो गए कि हम कौन से भी वैल्यू अभी उसको निकाल के दे सकते हैं, ओके, सो ये वाला एग्जांपल यहाँ पे फिनिश होता है, आओ चलो अभी और भी एग्जांपल इसके देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, सॉल्व फॉर थीटा, आपको थीटा के लिए सॉल्व करना है, इफ 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 sin थीटा प्लस √3, ओके, सो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 √3 प्लस 1 sin थीटा प्लस √3 इक्वल्स टू 0, ये है, देख पा रहे हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसी फॉर्म में है, यहाँ पे x है, यहाँ पे sin है, sin थीटा है, ओके, सो विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन sin थीटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन sin थीटा है, इसके डायरेक्टली आप फैक्टर नहीं निकाल सकते, मतलब प्रोडक्ट इतना चाहिए, सम इतना चाहिए, ऐसा करके डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो एक बड़ा अच्छा सा एक फार्मूला आपको पता है फैक्टर निकालने का, एक्स निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस, ऐसे ही निकालते हो, ओके, सो हियर a इक्वल्स टू, a मतलब x² का कोएफिशिएंट,
ये साइन थीटा का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 4, ओके। बी मतलब यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट, यहाँ पे साइन थीटा का कोएफिशिएंट कितना है माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1, ओके। और सी इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट 3 है, सी इक्वल्स टू क्या है, अंडर रूट 3 है, ओके। सो हम निकाल लेंगे कि सो साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए, ओके। सो माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 3, अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस ऑफ 2 अंडर रूट 3 प्लस 1, ओके ऐसा आएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस था, ओके। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, ओके। माइनस 4 ए सी, ए की वैल्यू कितनी है 4 है और सी की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3 है, ओके। अपॉन 2a, 2 और a कितना है वो भी तो 4 ही है, ओके। इसको सॉल्व कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ओके। इसका स्क्वायर करना है तो 4 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, ओके। माइनस ये हो जाएगा 16 रूट 3 अपॉन 8 आ जाएगा, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, ओके। सो तो ये आएगा बच्चों, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ओके ये मैं मिटा देता हूं। सो यहाँ पे देख लो कि विच इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3 प्लस 1, ओके प्लस माइनस, ओके। यहां से इन दोनों से मैं ये 4 कॉमन निकाल लेता हूं, सो 4 अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में क्या बचता है, अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर, ओके माइनस 4 बार गए तो 4 रूट 3 बचेगा यहां पर, ओके अपॉन यहाँ पे कितना है 8, ओके। सो विच इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 1 प्लस माइनस, ये अंडर रूट 4 है, अंडर रूट 16 कितना होता है 4 होता है, सो अंडर रूट 4 कितना होता है 2 होता है, सो अंडर रूट 4 ये 2 बाहर आ गया। अंडर रूट में यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला लगा दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या आएगा ए स्क्वायर दैट इज द अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 2a दैट इज द 8, ओके। सो ये देख पा रहे हो कि यहां से 2 कॉमन आ गया, दोनों तरफ से 2 कॉमन ले लेंगे, ओके अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पे आएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1 माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन कितना आएगा 8 आएगा, ओके। 2 से इसका डिवीजन कर दो कितना आएगा, सो अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस, ये अंडर रूट 3 प्लस 1 दैट इज द 4, ओके माइनस प्लस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 और माइनस 4 रूट 3, तो 2 में से माइनस 4 में 2 मिला दो तो कितना आएगा माइनस 2 ही आएगा, सो माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन ये 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ओके। अब इसके बाद विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस, ओके ये जो है ना बच्चों ये 4 माइनस 2 रूट 3, क्या आप इसको अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसके इक्वल क्या ये वैल्यू लिख सकते हो, जज करके देखते हैं। विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट, ओके प्लस 1 ऐसा ही आएगा, ओके। सो अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 अंडर रूट 3, तो इसके बराबर इसकी वैल्यू लिख सकते हो, ओके। सो अंडर रूट में 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या लिखोगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, सो अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, ओके। सो अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ये 2 कैंसल, सो अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 आ जाएगा, ओके। सो साइन थीटा की वैल्यू मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूं ताकि हमें जगह मिल जाए, ओके। सो साइन थीटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1, एक बार प्लस लिखेंगे, अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4
और साइन थीटा इक्वल्स टू ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस लिखेंगे, अंडर रूट थ्री प्लस वन माइनस अंडर रूट थ्री, ये माइनस वन हो जाएगा अपॉन फोर अपॉन फोर। ओके सो साइन थीटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा वन वन माइनस वन गेट कैंसल टू अंडर रूट थ्री अपॉन फोर, और साइन थीटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा अंडर रूट थ्री प्लस वन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस अंडर रूट थ्री, ये माइनस प्लस वन हो जाएगा अपॉन फोर। सो साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। ओके और साइन थीटा इक्वल्स टू ये आ जाएगा दिस गेट कैंसल, ये वन प्लस वन ये आ जाएगा टू बाय फोर। सो साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री बाय टू और साइन थीटा इक्वल्स टू वन बाय टू। तो साइन वन बाय टू किस में आता है, ये थर्टी डिग्री में आता है। ओके मतलब पाई बाय सिक्स में आता है। सो यहाँ पे देखो कि थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू और थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स वन बाय टू, तो थीटा इक्वल्स टू ये हो जाएगा पाई बाय थ्री। ओके साइन सिक्सटी की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट थ्री बाय टू, सो थीटा इज इक्वल्स टू द पाई बाय थ्री, और थीटा इज इक्वल्स टू साइन थर्टी डिग्री वन बाय टू होता है, सो थीटा इज इक्वल्स टू द पाई बाय सिक्स। ओके सो थीटा की वैल्यू कितनी मिली, एक तो पाई बाय थ्री होगी और पाई बाय सिक्स होगी। ओके सो आप ये पाई बाय थ्री और पाई बाय सिक्स यहाँ पे पुट करके देखोगे तो आपको आर एच एस कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा। ओके सो बड़ा ही इजी सा ये एग्जाम्पल था, करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन लगेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डायरेक्ट फैक्टर नहीं आते इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ओके तो ये एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके सो क्या है, sec a माइनस tan a, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू वन माइनस साइन a अपॉन वन प्लस साइन a। ओके सो LHS लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू sec a माइनस tan a का स्क्वायर। ओके सो बचपन में एक फार्मूला पढ़े थे a माइनस b का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। ओके फार्मूला लगा दो, सो सेक ए का स्क्वायर ओके माइनस ट्वाइस सेक ए टैन ए ओके प्लस टैन ए का स्क्वायर टैन ए का स्क्वायर। ओके सो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टू सेक ए टैन ए प्लस टैन स्क्वायर ये। ओके इतना आ गया, आपको ये वाली साइड लाना है जो RHS में लिखा है वो लाना है। ओके अच्छा sec को क्या लिख सकते हो, व्हाट इज sec, sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा। ओके यही होता है sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा। ओके मैं बताना चाहता हूं कि ये जो मैं फार्मूले ऐसे लिखता हूं ना उसको मार्जिन के ऊपर लिख लेना, जो मार्जिन बनाई गई है बुक की वो उसी के लिए बनाई गई है, ऊपर की मार्जिन। ओके वहां पे ये फार्मूले लिखना, इससे क्या होगा कि जब भी आप ये प्रॉब्लम पढ़ोगे तो ऊपर में ये फार्मूला लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो दूसरी बार जब पढ़ोगे तो डायरेक्टली ये फार्मूला देख के आपको स्टेप समझ में आ जाएगा कि हाँ इस स्टेप में ये वाला फार्मूला यूज किया है, तो जहां पे वो आपने एग्जाम्पल लिखा है उसी के ऊपर जो जगह रहती है वहां पे जितने भी फार्मूले आते हैं वो लिखते चले जाना, ऐसे ही वो याद होते जाएंगे। ओके सो sec को क्या लिख सकते हो, वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए ओके माइनस टू, अच्छा इस sec को भी लिख लो वन अपॉन कॉस ए, इस tan को लिख लो, tan को क्या लिख सकते हो साइन ए अपॉन कॉस ए ओके प्लस इस tan को क्या लिख सकते हो, tan को लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हो। ओके सो यहाँ पे देख पा रहे हो कि वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस ये आएगा टू साइन ए अपॉन ये कॉस तो दो कॉस हो गए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, तो डिनोमिनेटर में तो सेम है ऊपर का एडिशन होगा, सो वन माइनस टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके इतना आ गया। ओके सो वन माइनस टू साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये क्या आता है बच्चों, ये आएगा वन माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, यकीन नहीं आता करके देख लेना, ए स्क्वायर माइनस टू साइन ए प्लस
साइन स्क्वायर ए, यही आता है, देख लो, 1 माइनस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर लिख दिया। अच्छा कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, एक बड़ी अच्छी आइडेंटिटी है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ओके, सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा, ओके, सो यहाँ पे लिख लो कि कॉस स्क्वायर ए क्या आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा, यहाँ पे थीटा था यहाँ पे ए, ओके, सो यहां से क्या आएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ओके, ए माइनस बी ए प्लस बी एक कैंसल हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, देख लो आ गया आर एच एस, सो विच इज इक्वल्स टू आर एच एस, ओके, सो यहाँ पे लिख देंगे कि एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ऐसा लिख देना, ओके, और यहाँ पे अच्छा सा बॉक्स बना के ये वाली इक्वेशन लिख देना, ओके, सो ठीक है, आज यहाँ पे हम रुक जाते हैं। आज के लेक्चर में हमने कुछ दो तीन एग्जाम्पल ही देखे हैं जो कि मिसलिनियस के आधार पर बेस है, तो आप अभी क्या करना, एक्सरसाइज सॉल्व कर दो, मिसलिनियस सॉल्व कर दो, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ओके, नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री सेकंड है, उसमें भी बहुत सारे फार्मूले हैं, उसके बारे में बड़े अच्छे से हम पढ़ने वाले, ठीक है, सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे वीडियो लेक्चर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।